हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम एट मास्टर ऑफ साउंड्स लाइव। और ये तीसरा हफ्ता लगातार है दैट वी आर डूइंग द लाइव शो एवरी वीकेंड। तो इस बार फ्राइडे की शुरुआत हम कर रहे हैं तहलत महमूद जी के बहुत ही खूबसूरत गानों से और कुछ बहुत चुनिंदा गज़लें जो कि काफ़ी कॉमन हैं, जिससे कि अभी हमारा एफर्ट है कि सबसे ज़्यादा रीच बढ़ाएं और फेमिलियरिटी बढ़ाएं एक दूसरे से, मतलब आप हमें जाने हम आपको जाने, तो इस तरह से चॉइस ऑफ सॉन्ग्स भी बढ़ेंगी। तो इसीलिए जो लेवल है वो थोड़ा सा इजी लेवल रखते चल रहे हैं। तो लाइट गजल्स, तलत महमूद जी के बहुत अच्छे सॉन्ग्स। और अभी मैं सुदीप मुखर्जी और मेरे साथ में हैं रंजन जी। तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लेते हुए थोड़ा तलत जी के बारे में सुनते हैं रंजन जी से, और आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। शुरू के तीन बहुत ही चार शुरू के चार बहुत खूबसूरत नगमे तलत महमूद जी की आवाज़ वाले रंजन जी से सुनते हैं। तो चलिए रंजन जी, हैंडिंग ओवर टू यू। मैं जो आज आप लोगों के सामने जो प्रस्तुति कर रहा हूँ तलत महमूद के गानों की, तो ऐसा लगता है कि तलत महमूद जी को ज़्यादातर लोग अभी बहुत ज़्यादा याद रखते नहीं हैं, उनके गाने भी अभी बहुत सुनने में नहीं आते, क्योंकि ये जनरेशन गैप है। और लेकिन जब आप उसको सुनने की पोजीशन में आते हैं तो वो तो एकदम लाजवाब, मीन्स उनको फिर सुनना, फिर आपको मतलब यू नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल विथ दिस सॉन्ग्स। मैं आपके सामने अभी पहला गाना प्रस्तुत करूंगा, ये सुजाता का गाना है जिसमें सुनील दत्त और नूतन जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, मतलब एक्टिंग की थी। और ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था जिसमें सुनील दत्त टेलीफोन पे, उस ज़माने में टेलीफोन बहुत ही खास हुआ करता था, तो टेलीफोन पे ये पूरा गाना सुनील दत्त ने गाया था। मैं भी आपको ये गाना कोशिश करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक दिस सॉन्ग वेरी मच। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, दर्द मन के जो मेरे दिल मेरा धर न सका, जादू बन के तेरी आँखों में रुका छल न सका।
आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए जाते हैं जिसके लिए दिल में रख लेना इसे हाथों से छूटे न कहीं गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं दिल में रख लेना इसे हाथों से छूटे न कहीं गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए चलते हैं जिसके लिए झलकना ये तेरे सस्के मरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरे गए तेरी जुल्फों के तले जब झलकना ये तेरे सस्के मरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरे गए तेरी जुल्फों के तले गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए चलते हैं जिसके आपको जरूर ये गाना बहुत पसंद आया होगा इसकी म्यूजिक डायरेक्शन एसडी वर्मन की थी एंड उस टाइम तो एसडी वर्मन वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव अब आपके सामने जो मैं गाना गा रहा हूँ वो बहुत ही खास किस्म का गाना है और बहुत ही रिदमिक है मैं दिल हूँ एक अरमान भरा ये है गाना अनहोनी का 1952 में राज कपूर और नरगिस के ऊपर फिल्माया गया था और ये गाना बहुत ज़्यादा मतलब सुनने में नहीं आता है लेकिन ये गाना जब भी बजता है दिस इज़ वेरी मतलब टेम्पटिंग सॉन्ग और बहुत ही सुरीला जिन्होंने भी इनका म्यूजिक दिया है इसका म्यूजिक मेरे को थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है एनीवे आई विल सिंग फॉर यू बैकग्राउंड में कई सारी चीजें चलती हैं जैसे थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो गया था तो क्या वो द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द मिक्सर दैट वाज नॉट राइट तो वैसे आने वाले टाइम्स में आपको ये सब एरर्स और छोटी छोटी चीजें माइनस मिलेंगी बहुत और मजा आएगा म्यूजिक डायरेक्टर इसके रोशन लाल है बहुत ही सुंदर म्यूजिक दिया है इन्होंने और इसकी इसकी जो फिल्म जो शूटिंग हुई है बहुत ही पियानो पे राज कपूर जी गाना गा रहे हैं और नरगिस उनके सामने बैठ के ये गाना सुन रही है फिल्म में दिखाया गया है अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म बनाई गई थी बहुत ही सुंदर ओके अरमान भरा तू आके मुझे पहचान जरा मैं दिल हूँ एक
अरमान भरा एक सागर हूँ ठहरा ठहरा एक ठागर हूँ ठहरा ठहरा तू आके मुझे पहचान जरा मैं दिल हूँ एक अरमान भरा खुद मैंने हुस्न के हाथों में शौकी का झलकता जाम दिया आँखों को गुलाबों का रुतबा कलियों को उन्हों का नाम दिया आँखों को दिया निंगोगुना आँखों को दिया कागर गहरा तू आके मुझे पहचान जरा मैं दिल हूँ एक अरमान भरा सच है तेरी महफिल में ये सच है तेरी महफिल में मेरे अफसाने कुछ भी नहीं पर दिल की दौलत के आगे दुनिया के कज़ाने कुछ भी नहीं यूं मुझसे निगाहों को न चुरा यूं मुझसे निगाहों को न चुरा तू आके मुझे पहचान जरा मैं दिल हूँ एक अरमान भरा ये जो नेक्स्ट गाना मैं ले रहा हूँ आंसू समझ के क्यों मुझे आंख से तुमने गिरा दिया दिस इज म्यूजिक डायरेक्शन है सलील चौधरी का 1963 में ये गाना है छाया का ये भी सुनील दत्त और आशा पारी बहुत ही सुंदर छोटी सी एक भूल हूँ
किसने खिला कि खुद मुझे खुद ही मुझे भुला दिया आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया आंसू समझ के क्यों मुझे सुन रहे हैं तलत महमूद जी के बहुत सुंदर सुंदर गीत और साथ ही साथ आप सुनेंगे बहुत फेमस जो गजल हैं वो सब भी सुनेंगे। सुनते हैं अगला गीत तलत महमूद जी का रंजन जी की आवाज में, ये है जिंदगी देने वाले सुन। हाँ ये 1993 का है, दिले नादा मूवी से है, जिसमें गुलाम मोहम्मद और जिंदगी देने वाले सुन काफी पुराना गाना है, 1953 का है, म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद।
सुदीप आपके सामने कुछ गजल्स पेश करेंगे। थैंक यू। आज क्योंकि फ्राइडे है तो मेरे ख्याल से इसी कारण से लाइव में कुछ कम लोग दिख रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम्स को व्यूज वगैरह दिए हैं तो दैट्स अ वेरी गुड साइन और हम लोगों के लिए बहुत इनकरेजिंग रहता है ये, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कल जो है हम आपके लिए किशोर कुमार साहब के ब्लैक एंड वाइट नंबर्स के पे जो फिल्माए हुए सॉन्ग्स थे वो लेके आएंगे हम दोनों, और चलिए आपको अभी कुछ बहुत ही सुंदर वाले सुनाता हूँ गाने गजल्स। सबसे पहली जो है वो है होश वालों को खबर क्या, जगजीत साहब की। होश वालों को खबर क्या चीज है, होश वालों को खबर बेखुदी क्या चीज है, इश्क की जय फिर समझिए, इश्क की जय फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी
दी क्या चीज है। नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो गई उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो गई वो प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजे फिर समझिए इश्क कीजे फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाए मौसमों को शायरी में जाऊं उससे पहले कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं देना चाहूंगा बिकॉज अभी आ रहा है करियोके वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इंडिया जिसके ऑडिशंस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी हमारे पास भेजेंगे थ्रू द वेबसाइट masterofsounds.in तो हम उतने ही जल्दी आपको सिलेक्ट करके बता पाएंगे कि आप क्वालिफाइड हैं फॉर सेमीफाइनल्स जो कि होने वाले हैं 23 और 24 23 को सेमीफाइनल्स हैं और 24 मई को फाइनल्स रहेंगे। तो जो मैं आपको टिप दे रहा था देना चाह रहा था वो ये है कि आप करियोके
कॉम्पिटिशन या चैंपियनशिप में पार्ट लेंगे सो बी श्योर दैट यू हैव वन टू वन कॉन्टैक्ट विथ योर ऑडियंस आपके ऑडियंस आपके सामने बैठी रहती है उनके साथ आप जितना इंटरैक्ट करेंगे जितना आप आंखों में आके डाल के वेव करेंगे आप उनसे बात करेंगे उतना ही वो कम्युनिकेट करेंगे उतना ही आपके गाने में वो फील आएगी ये ध्यान रखिए ये टिप नंबर वन विच वॉज अ वेरी मेजर टिप चलिए दूसरे गाने पे चलते हैं दूसरी गजल पे चलते हैं इनफैक्ट ये पंकज उदास जी को डेडिकेटेड चांदी कैसा रंग है तेरा चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगा चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगा एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगा जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए जो पत्थर छू ले गोरी तू वो हीरा बन जाए तू जिसको मिल जाए वो जाए मालामाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगा चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब जमाते लो तू ना दान जाने कैसे रूप चुराते लो नजरे भर भर देके तुझको आते जाते लो छैन छबीली रानी थोड़ा छैन छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगा चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल
तुही धनवान है गोरी, बाकी सब गंगा। कलियां और तारे सब हैं तेरे रूप, घनक घटा कलियां और तारे सब हैं तेरे रूप, वंदे हो या गीत हो मन देर तेरा रूप, यूं ही चमकती रहे हमेशा तेरे हुस्न तुझे नजर ना लगे किसी की, तुझे नजर ना लगे किसी की, जिए हजारों साल एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब चांदी जैसा रंग है तेरा सोन जसवार, एक तुही धनवान है गोरी, बाकी सब एक तुही धनवान है गोरी, बाकी सब एक तुही धनवान है गोरी, बाकी सब गंगा। ये दूसरी गजल थी और काउंट इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग एक फॉर्मेट लेके चल रहे हैं जिसमें तीन तीन या चार चार जो गाने या गजल हैं उसके सेट्स, जिससे कि आपको भी वेरिएशन मिले और हम लोगों को भी थोड़ा सा रेस्ट मिलते चले और वैरायटी बनी रहे। अच्छा, जैसा कि इससे पहले मैंने एक टिप दिया था, इस बार टिप नहीं दे रहा हूँ लेकिन एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि हम लोगों का जो इतना सेटअप आप देख रहे हैं और हम लोगों के जो वीकेंड एफर्ट हैं प्रेजेंटली, दैट्स बिकॉज ऑफ करियोके वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इंडिया। इसको हमें प्रमोट करना है तो आप भी अपने फ्रेंड्स में और जहाँ जहाँ जिन लोगों को जानते हैं जो अच्छे सिंगर्स हैं उनको बताइए और बोलिए कि masterofsounds.in पे फॉर्म है, उसको भर के वो हमारे पास एंट्रीज भेजें। क्या मालूम हु कैन बी द नेक्स्ट करियोके वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इंडिया, और जो भी होगा he'll be going to Finland to participate and compete with the rest of the world. करीब 30 plus countries आएंगी, वहाँ पे आप दूसरे countries के participants के साथ compete करेंगे। Language and genre is not the barrier. आप किसी भी language में गा सकते हैं और कोई सा भी form आप वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को आप जितना शेयर करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डू शेयर। चलिए अगले गजल की ओर चलते हैं। ये है जगजीत सिंह साहब की गाई हुई आदमी आदमी को क्या देगा। इट्स अ ब्यूटीफुल गजल, मेरे को बहुत पसंद है। आदमी को क्या देगा,
आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। आदमी मेरा गम सिर है, मेरा कातिल मेरा गम सिर है, मेरा कातिल मेरा गम सिर है, क्या मेरे हक में फैसला देगा, मेरे हक में फैसला देगा। आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। थैंक यू सो मच। करीब से देखो जिंदगी को, करीब से देखो जिंदगी को, करीब से देखो इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा। आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। हमसे पूछो ना दोस्ती कसला, हमसे पूछो ना दोस्ती कसला, दुश्मनों का भी दिल हिला देगा। आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। इश्क का जहर पीलिया फाकिर, इश्क का जहर पीलिया फाकिर, मसीहा भी क्या दवा देगा, अब मसीहा भी क्या दवा देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। आदमी आदमी
को क्या देगा आदमी, आदमी को क्या देगा जो भी देगा वही खुदा देगा। अब चौथी पे चलते हैं, फोर्थ गजल। और एक सेकंड ये सुनिएगा, बहुत प्यारी गजल है, बॉलीवुड। Thank
किस होता नहीं सभी के लिए ये बना है ये बना है ये बना है ये बना है किसी किसी के लिए इश्क होता नहीं सभी के लिए इश्क होता नहीं सभी के लिए मुझको पर्सनली ये काफी अच्छा लगता है। बॉलीवुड में कई सारे गजल्स को अपने रूप में ढाल के लिया गया है एंड दिस इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। अदनान सामी जी ने गाया था इसको। चलिए नेक्स्ट चार के लिए हम चलते हैं बैक इनटू 50s, 60s, 70s। तलत जी की आवाज में रंजन जी को सुनेंगे। अब अगेन मैं आपके सामने तलत के कुछ अच्छे नगमे लेके आ रहा हूँ। इसमें ये गाना है मैं पागल मेरा मनवा पागल, ये है आशियाना पिक्चर का 1952, जिसमें राज कपूर और नरगिस ने एक्टिंग की है और मदन मोहन का म्यूजिक डायरेक्शन है। तो इसको सुनिए, मैं काफ़ी पसंद करता हूँ इस गाने को, थोड़ा स्लो है। काफ़ी पुराना गाना है और काफ़ी कम
कौन सुनाई में आता है। इसके बाद मैं थोड़ा तरह तरह के कुछ पॉपुलर नंबर्स भी लेता हूँ, जिसमें शामी गोगी की कसम एक गाना मतलब नगमा है जो फुटपाथ पिक्चर का है 1953, दिलीप कुमार एंड मीना कुमारी के ऊपर फिल्माया गया है। जो ये खयाम का म्यूजिक डायरेक्शन है। सिन्हा जहां आरा का पिक्चर है मदन मोहन के संगीत में ये। हाँ, इससे पहले कि आप ये वाला गाना करूं, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि एक सज्जन का मैसेज आया है उसमें व्हाट्सएप पे कि कई बार हमारे लिंक खुलते नहीं हैं, या फिर आप अगर चैनल पे हो तो मैसेज नहीं भेज पा रहे हो। तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक वाली बात है, क्योंकि YouTube
यूट्यूब पे हम लोग लाइव हैं इस वक्त, और यूट्यूब की लिंक मैंने शेयर की हुई है, और कई और लोगों के तो मैसेज आ रहे हैं। आई डोंट नो इस तरह से क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो। और मुझे लगता है कि यूट्यूब पे जैसे अपन जाते हैं और अपन ने अपने नाम से साइन इन किया हुआ है अपने यूट्यूब पे, तो बहुत आराम से मैसेजेस अक्रॉस जाते हैं। हम दूसरे चैनल्स में भी कुछ ना कुछ लिख देते हैं तो जाता है। तो कुछ समस्या होगी तो प्लीज़ मुझे मेरे इस पे बताइएगा, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर अगर मैंने शेयर नहीं किया है तो अभी कर देता हूँ। नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, प्लीज़ बता दीजिएगा कि आपके पास किसी तरह की अगर समस्या हो रही है तो। चलिए नेक्स्ट अपन सुनते हैं। फिर वही तन लाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम वही उम्र तन लाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम दिल सफर तेरे पहलू में मीठा आए का है 1951, दिलीप कुमार और मधुबाला, दिलीप कुमार और मधुबाला के ऊपर है। म्यूजिक डायरेक्शन अनिल विश्वास।
से रुख करते हैं गजलों की ओर और मैं आपको कुछ चुनिंदा गजलें सुनाता हूं। आई होप यू आर लाइकिंग इट एंड एंजॉयिंग द शो। आगे की जो चार है उसमें से पहली है जगजीत सिंह साहब की गाई हुई अपनी आंखों के समंदर में उतर आने दे। बहुत खूबसूरत है ये गजल। किसी समंदर में उतर जा।
एक दुनिया की लड़ाई बुझ जाएगी, आग दुनिया की लड़ाई बुझ जाएगी, कोई तेरे दामन पे बिखर जाने दे, अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे। तेरी चाहत से मिले हैं मुझको, जख्म कितने तेरी चाहत से मिले हैं मुझको, सोचता हूँ कि कहूँ तुझसे मदद जा बचपन में मेरी माता जी मेरे ऊपर बोला गलत थी अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। ओ पिछली रुद के साथी, ओ पिछली रुद के साथी, ओ पिछली रुद के साथी, अब के बरस मैं तन्हा हूँ, रुद में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। तेरी गली में सारा दिन,
तेरी गली में सारा दिन, तेरी गली में सारा दिन दुख के कंकर चुचता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। मेरा दिल जलाए कौन, मेरा दिया जलाए कौन, मेरा दिया जलाए कौन, मैं तेरा खाली कमरा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी लहर है अपना रो, अपनी लहर है अपना रो, अपनी लहर है अपना रो, दरिया हूँ और प्यासा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। आती रुत मुझे रोएगी, आती रुत मुझे रोएगी, आती रुत मुझे रोएगी, जाती रुत का झोंका हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। तो धीरे धीरे करके तलत महमूद जी के गाने और कुछ कुछ जो मैंने कहा था कि थोड़ा हल्का दैट इज बॉलीवुड की गजल्स और बाकी जो काफ़ी सुनी हुई पॉपुलर गजल्स हैं तो वो कुछ लेंगे। तो ऐसे कर करके अभी तक हम लोग काफ़ी सारे गानों के साथ आगे बढ़ चुके हैं, तो चलिए अगली गजल की ओर चलते हैं। ये मिर्ज़ा गालिब साहब के एल्बम में बहुत खूबसूरत गज़ल थी और ये भी जगजीत सिंह साहब की गाई हुई है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। मेरे अरमान
लेकिन फिर भी कम निकले निकलना खुद से आगमन का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेयाब होकर तेरे पूछे से हम निकले जो नेक्स्ट गजल है चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला ये आवारगी फिल्म में लिया था
छोटे गुलाम अली साहब की गाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत गजल है। वैसे जो लोग बहुत ज्यादा जानकार म्यूजिक वाले बैठे हों तो मैं कहूँगा कि रियाज जारी है, कोशिश जारी है, कुछ कुछ अगर लाइव में कहीं से इधर उधर हो जाए तो माफ कीजिएगा, बाकी कोशिश जारी जारी जारी। ये जहां सारा बना डाला
सामने अनिल कपूर जी आ जाते हैं। ये मूवी जितने देखी होगी बहुत खूबसूरत तरीके से इसको पिक्चराइज किया हुआ है इस गजल को। मेरे मालिक मेरा दिल क्यों तड़पता है सुलगता है। मेरे मालिक मेरा दिल क्यों तड़पता है सुलगता है। यहाँ मर्जी किसका जोर चलता है। किसी को गुल किसी को तूने अंगारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। यही आगाज था मेरा यही अंजाम होना था। यही आगाज था मेरा यही अंजाम होना था। बर्बाद होना मुझे नाकाम होना था। मुझे तकदीर ने तकदीर का मारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। चमकते चांद को मुझको आवारा बना डाला। चमकते चांद को तारा बना काफ़ी मेहनत की। चार गजलें गाई हैं लंबी एंड दे आर क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग एंड 4 to 5 minutes। गजलें होती भी हैं अक्सर लंबी गजलें होती हैं उनको काफ़ी तबीयत से गाया जाता है। और अब मैं आपके सामने मेरी तीन गीत हैं काफ़ी सुंदर गजलें हैं। ये है अशकों ने जो पाया है वो गीतों ने दिया है। ये पिक्चर है चांदी की दीवार 1964 भारत भूषण एंड नूतन के ऊपर पिक्चराइज की है इस पिक्चर को। ये डिफरेंट है गाना एन दत्ता ने म्यूजिक डायरेक्ट किया है। ये बिल्कुल अलग तरीके के गाने हैं। अशकों ने जो पाया
पाया है वो भी तो दिया है इस पर भी सुना है जमाने को गिला है अशुकों ने जो पाया है दोस्तों को और ये नॉन फिल्मी गाना है और बोल दूं कि आप सबकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स दे रहे हैं सिर्फ यहाँ पे ही नहीं व्हाट्सएप पे भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच और आप लोगों के लिए ये चलिए और भी ऐसे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर हम प्रोग्राम्स लाते रहेंगे कल किशोर कुमार जी के ऊपर ब्लैक एंड वाइट पे बेस्ड जितने गाने थे उनमें से सिलेक्टेड हम दोनों लेके आएंगे लौटा दो वो प्रीत की
बातें मेरी हसी मस्तियां मेरी लौटा दो चांदनी रातें मेरे सपनों को लौटा दो मेरा टूटा दिल लौटा दो मेरा प्यार मुझे लौटा दो मेरा प्यार मुझे लौटा दो आखिरी गाना है ये भी काफी पैपी नंबर है और ये देवानंद और उसके ऊपर है भैया रमान 1960 उसका है 1961 देवानंद तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर चांद की तले चलेंगे हम ऐ सनम रात भर तुम तो दिल के तार छेड़ कर सो ही जाओगे किसका ले लिया है दिल ये भी भूल जाओगे ये तो कह दो एक बार ख्वाब में तो आओगे ये तो कह दो एक बार ख्वाब में तो आओगे ख्वाब में तो आओगे तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए दिल के तार छेड़ कर अपनी एक और रात उलझनों में छाएगी अपनी एक और रात उलझनों में जाएगी शेख शेख वो अदा हमको याद आएगी मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी दर्द बन के छाएगी हम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर तो दिल के तार छेड़ कर
आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा, आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा, अब तो बात बात पर दिल भी लूटने लगा। क्या गजब है हर कोई हमको लूटने लगा, क्या गजब है हर कोई हमको लूटने लगा, हमको लूटने लगा। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद की तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर। आज की शाम मेरी तरफ से आप लोगों को अच्छा, मतलब यू मस्ट हैव एंजॉयड द सॉन्ग्स बिकॉज़ दीस सॉन्ग्स आर नॉट वेरी कॉमन। थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत सुंदर गाने, बहुत अच्छे अच्छे यूनिक। आजकल यूट्यूब पे या जब तक आप ढूंढो नहीं आपको सुनाई नहीं देता। तो चलिए इस महफिल को और आगे बढ़ाते हुए अगली गजल की तरफ चलते हैं। जगजीत साहब की ये वाली गजल से शुरू कर रहा हूं। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने वक्त तो लगता है। मैं परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी करने वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने वक्त तो लगता है। अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो दूरी। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या
कोशिश खुलने वक्त तो लगन है, प्यार का पहला खत लिखने वक्त तो लगता है। दिल तो ढूंढ लिया लेकिन हमने आज जख्म दिल तो ढूंढ लिया लेकिन गहरे जख्मों को भरने तो लगता है, गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। मैं बंदों को दे वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। सुंदर गजल है ये, और इसके जस्ट बाद एक बॉलीवुड में काफी फेमस हुई थी ये गजल, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। तो चलिए ये वाली गजल सुन। तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, वो वादियाँ वो फजाएं के हम मिले जहाँ, वो वादियाँ वो फजाएं के हम मिले जहाँ, मेरी वफा वही पर मजार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास, न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास के मेरे दिल पे उन्हें नजर को तेरा इंतजार
लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह पे घायल वो प्यार आज भी है, हो हमने छोड़ दी दुनिया। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, नहीं है मगर आज भी ये लगता है, मेरी तलाश में शायद वो आज भी है, ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी, जख्म खाए हैं न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म खाए हैं, जिनको सोच के दिल सोग बार आज भी है, छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है, ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुमके ये दिल बेकरार आज भी है, ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। अब हम आज के दिन के अंत तक करीब करीब पहुंच गए हैं, दो और गजलें बाकी हैं, जो सेकंड बट लास्ट है वो फिर बहुत ही फेमस गजल रही है जगजीत सिंह साहब की, वो कागज की कश्ती, तो चलिए उसको सुनते हैं और उसके बाद जगजीत सिंह साहब की ही एक बॉलीवुड में गाई हुई गजल उसके बाद सुनेंगे। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।
की सबसे पुरानी निशान वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे ना, वो नानी की बातों पे परियों का डेरा, वो चेहरे की झुरियों में सदियों का फेरा, वो लाए नहीं भूल तरसा वो कोई भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी। धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो बुढ़ियों की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना वो गिर के संभलना, पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छल्लों के प्यारे वो तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। सुनने में बहुत मजा आता है, गाने में भी बहुत मजा आता है, तो कई बार क्योंकि बहुत बाद में सुना हुआ होता है तो इस कारण से करियोके में कभी कभी थोड़ी सी चैलेंजेस आते हैं। दैट शुड बी अ लेसन दैट जब आप करियोके चैंपियनशिप में कभी पार्टिसिपेट करें, जैसा कि करियोके वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम जितनी बार हो सके उस पे रिपीटेडली गा गा के प्रैक्टिस करते चलें। मेरा काम है करियोके ट्रैक्स बनाना और कई सारी चीज़ें साथ में करना, तो समय कम मिलता है गाने के लिए, लेकिन फिर भी जितना मिलता है गा गा के तैयार करते रहता हूँ। कभी कभी एक आध बार कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, एफर्ट रहते हैं कि ऐसी गलतियाँ नहीं हो। और ये आज की आखिरी गजल बॉलीवुड में यूज की हुई गजल है जगजीत सिंह साहब की, कोई फरियाद, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जागते एक उम्र कटी
हो जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे जान पाती है मगर सांस रुकी हो जैसे
चाहूंगा कि हम लोग शोज भी लेते हैं और कई सारे शोज हमारे व्यापार और इधर उधर चलते रहते हैं, तो व्हाट्सएप पे इंक्वायर कर सकते हैं। इस तरह पहर तुझे सोचता रहता हूँ मैं, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते कटी हो जैसे, जान पाती है मगर सांस रुकी हो जैसे, चलिए आज का प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल हम वापस आएंगे किशोर कुमार साहब के गाए हुए ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स के ऊपर जितने सॉन्ग्स हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड बहुत अच्छे अच्छे लाएंगे, और इवन इन द पास्ट जो हम कर चुके हैं वो हमारे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं, और उनके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो भी आपके लिए हम लोग आगे लाते रहेंगे, और जो भी आपके सुझाव हैं और तरह तरह के सजेशंस भी जो भी हैं उसको हमारे साथ शेयर करिए हमारे YouTube चैनल के कमेंट्स पे, या फिर WhatsApp नंबर भी इसमें दिया है तो इसमें भी डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं आप। और चलिए थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट इस चैनल को बढ़ते रहने के लिए, आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए तो हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।